दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट के पास गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में गैस सिलेंडर फटने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी और एक श्रमिक घायल हो गया था। मृतक के परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने पर बनी सहमति। तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेता प्रभात चैटर्जी और दीपंकर लाहा के प्रयास से कारखाना प्रबंधन के साथ नौकरी और मुआवजे को लेकर समझौता हुआ। 15 दिन के भीतर नौकरी और 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा। दुर्गापुर के अलॉय स्टील प्लांट के निकट स्थित गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड नामक कारखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से ठेका श्रमिक 53 वर्षीय गोरा गोप की मौत हो गई थी, जबकि एक श्रमिक घायल हो गया था। इस मामले में एक तरफ जहां कारखाना प्रबंधन पर श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं, लोगों का आरोप है कि सेफ्टी में कमी की वजह से ये दुर्घटना घटी थी। इसे लेकर लोगों में कारखाना प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखा गया। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के तरफ से कारखाना प्रबंधन के साथ वार्ता कर मृतक के आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी दिए जाने पर सहमति बनी है। INTTUC के जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष दीपांकर लाहा और तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेता व दुर्गापुर नगर निगम के MIC प्रभात चैटर्जी ने कारखाना प्रबंधन के साथ बैठक की, जिसमें मृतक के आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी दिए जाने को लेकर सहमति बनी। तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेता प्रभात चैटर्जी ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि उस कारखाने में सेफ्टी की कमी थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक घटना घटी है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि कारखाने के मालिक के साथ उनकी बातचीत हुई है तथा मृतक के परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी तथा 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने को लेकर समझौता हुआ है। 15 दिन के भीतर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देनी होगी और 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा। এবং সেখানে দেখি যে 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 মারা গিয়েছে আমাদের গোরা গোপ যে মারা গিয়েছে এমনভাবে সিলিন্ডারটা বাস্ট হয়েছে যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং আমি পৌঁছে গিয়ে সেখানে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলি। সেখানে পুলিশ প্রশাসনও ছিল, সমস্ত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তাদের সাথে আলোচনা করে যে মারা গেল তাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু তার পরিবার যাতে কোনো কষ্ট না হয় সেই পরিবারের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি এবং আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করিয়েছি সেখানে, সেটা সারা দুর্গাপুরে যে মানে পদ্ধতি চলছে যে দিয়ে যে কোনো কর্মী মারা গেলে কাজ করতে করতে তাকে 10 লক্ষ টাকা এবং 10,000 টাকা ফি রিনিউয়াল চার্জ এটা দিতে হবে আর পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। তো সেই মোতাবেক গোয়েল গ্যাসের যারা মালিক তাদের সাথেও আমি কথা বলেছি এবং তারা রাজি হয়েছেন এবং এগ্রিমেন্ট হয়েছে যে 10 লক্ষ টাকা কম্পেনসেশন দেবে, 10 লক্ষ টাকা পরিবারের হাতে তারা তুলে দেবে এবং একজন পরিবারের একজনকে তারা চাকরি দেবে, এটা তারা মেনে নিয়েছে এবং এটা হবে চাকরিটা দিতে হবে 15 দিনের মধ্যে আর টাকাটা দিতে হবে 30 দিনের মধ্যে। এই অবস্থায় ইয়ে করে আর মানে একটা এগ্রিমেন্ট করে তারপর আমরা ওখানে এসেছি। রামবাবু যাদব কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। মুঝে এই এলান করতে মে বড়ি খুশি হো রহি হে কি হাম পেশ করনে ওয়ালে হ্যায় বেমিসাল তাকত ওয়ালা নয়া SEL Tiger TMT Rebar। स्वागत नहीं करोगे हमारा।